हेलो दोस्तों, कामत की रसोई में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बनाएंगे दो तरह का एनर्जी ड्रिंक। इस ड्रिंक को हम बिल्कुल नए और आसान तरीके से बनाएंगे, तो आप वीडियो पे बने रहना दोस्तों, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर से कर देना। तो सबसे पहले हम सत्तू का शरबत बनाएंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे राजधानी का चना सत्तू लिया है दोस्तों। ये मेरे घर में पहले से ही रखा हुआ था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप सबके लिए एनर्जी ड्रिंक बना के बताऊँ। आप चाहे तो घर पे भी सत्तू बना सकते हो। जो भुना हुआ चना आता है ना मार्केट में, उसे आप मिक्सी में पीस के सत्तू बना सकते हो। बड़े आराम से सत्तू बन जाता है। तो यहाँ पे मैंने लगभग एक कटोरी जितना सत्तू लिया है चने का, और इसे हम एक बड़े से मिक्सिंग बोल में डालेंगे। आप सत्तू ना दोस्तों अपने आवश्यकता के अनुसार ले सकते हो। कितनी क्वांटिटी में आप शरबत बनाना चाहते हो ना, उस हिसाब से आप ले सकते हो। अब सत्तू में हम डाल देंगे आधा कप ठंडा पानी, क्योंकि इस शरबत को ना हम ठंडे पानी में बनाएंगे, जिसे पीने के बाद हमारे शरीर में बिल्कुल ठंडक आ जाएगी। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएंगे और अच्छे से सत्तू को फेंटेंगे, ताकि इसमें कोई भी गांठ ना रहे। जैसे हम लोग बैटर वगैरह बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही अच्छे से हमें सत्तू को फेंट लेना है। तो दोस्तों, आप देख सकते हो वीडियो में हमने सत्तू को बहुत अच्छे से फेंट लिया है, इसमें कोई भी गांठ नहीं है। अब और ज़्यादा नहीं फेंटेंगे। अब इसमें हम मसाले ऐड कर देते हैं। आधा चम्मच इसमें हम डालेंगे चाट मसाला, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा हमारे सत्तू के शरबत में। साथ ही एक हरी मिर्च को हम बारीक कट करके डालेंगे, इससे हमारे शरबत में थोड़ा सा तीखापन आ जाएगा। और आधा चम्मच इसमें हम काला नमक डालेंगे, और आधा चम्मच इसमें हम सफ़ेद नमक डालेंगे। तो नमक वगैरह दोस्तों आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा डाल सकते हो। और अगर आप प्याज खाते हो ना, तो इसमें आप एक चम्मच जितना बारीक कटा हुआ प्याज भी डालना, इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा सत्तू के शरबत में। और अब इसमें हम डाल देंगे एक नींबू का रस, इससे हमारे सत्तू के शरबत का ना टेस्ट डबल हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने एक नींबू का रस डाल दिया है, और अब हम अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, हमने सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लिया है, और शरबत हमारा बिल्कुल परफेक्ट बनके तैयार हुआ है। अब इसे हम ग्लास में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आप सबको एक चीज़ कहना चाहती हूँ, अगर आप सबको भी सत्तू का शरबत बिल्कुल ठंडा ठंडा पीना पसंद है ना, तो आप आइस क्यूब ज़रूर ऐड करना इसमें। और अब हमने डाल दिया है शरबत, इसमें हम थोड़ा सा बारीक कटा हुआ पुदीने की पत्ती डालेंगे, इससे ना देखने में भी हमारा शरबत अच्छा लगेगा और पीने में भी इसका स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे, जब इसे हम पियेंगे ना और प्याज हमारे मुंह में आएगा ना, बहुत ही अच्छा लगता है। थोड़े से लेमन से भी हमने गार्निश कर दिया है, ताकि देखने में भी हमारा सत्तू का शरबत उतना ही अच्छा लगे। दोस्तों, अगर आपके पास सुबह सुबह टाइम नहीं रहता ना नाश्ता बनाने का, तो अगर आप एक गिलास सत्तू का शरबत बना के पी लोगे ना, तो काफ़ी देर तक आपके शरीर में एनर्जी भरी रहेगी। तो इस सत्तू के शरबत को आप भी ज़रूर बनाना दोस्तों, बहुत टेस्टी बना है, तो ट्राई ज़रूर करना। चलिए बनाते हैं एक और तरह की ड्रिंक, इसे भी बस हम 2 मिनट में बना के तैयार कर लेंगे। ये लेमन मिंट मोजिटो है दोस्तों। इस ड्रिंक को बना के आप मेहमानों को भी सर्व करोगे ना, तो वो भी पूछेंगे कि आपने इसे कैसे बनाया है। और इस ड्रिंक को ना आप घर में रखे सामानों से ही बना के तैयार कर सकते हो। तो चलिए बनाते हैं। इसके लिए हमने पुदीना की कुछ पत्तियों को डाल दिया है अदरक कूटने वाले में, साथ ही हमने एक नींबू को भी कट करके डाला है। और अब हमें दोनों चीज़ों की जम के कुटाई करना है। जितना अच्छे से कूटेंगे, उतना ही अच्छा हमारा लेमन मिंट मोजिटो बनके तैयार होगा। तो यहाँ पे देखिए, हमने बहुत अच्छे से दरदरा कूट लिया है दोनों चीज़ों को, आप वीडियो में देख सकते हो। अब और ज़्यादा इसे हमें पीसना नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है हमारे मोजिटो के लिए। अब हम इसे ग्लास में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमने लेमन और मिंट को डाल दिया है ग्लास के अंदर। साथ ही इस पर हम डालेंगे शुगर पाउडर। आप इसकी जगह चीनी भी डाल सकते हो दोस्तों, पर मैं शुगर पाउडर इसलिए डाल रही हूँ ना, ये जल्दी से मिक्स हो जाएगा शरबत में। साथ ही आधा चम्मच इसमें हम काला नमक डालेंगे, और आधा चम्मच इसमें हम डालेंगे
चाट मसाला, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा लेमन मिंट मोजीटो में। और मैं इसमें डाल रही हूँ सिंपल ठंडा पानी, आप चाहे तो पानी की जगह सोडा भी डाल सकते हो दोस्तों, पर मैं बिल्कुल ये घर के सामानों से ही बना के बता रही हूँ आपको, जिसे ईजिली आप घर पे बना सकते हो और अपने मेहमानों को भी सर्व कर सकते हो। अब इसमें हम थोड़े से आइस क्यूब डाल देते हैं, इससे बिल्कुल ये ठंडा हो जाएगा और जब आप पियोगे ना आपको मज़ा आ जाएगा दोस्तों, बहुत ही टेस्टी लगता है ये पीने में, और देखा ना आपने कितनी जल्दी बन जाता है। और ये ड्रिंक दोस्तों हमारे शरीर में बहुत ही फ़ायदा करता है, आप गर्मियों में पियोगे ना इस ड्रिंक को तो ये आपको लू से भी बचाएगा दोस्तों, और आप अपने घर में बना के अपने बच्चों को दे सकते हो, वो भी आपसे मांग मांग के पिएंगे क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो दोस्तों आप सबको कौन सा वाला ड्रिंक ज़्यादा पसंद आया है आप मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताना, और दोस्तों वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, बाय बाय।